गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नीलम मैस स्टैंडर्ड 5 में हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ और संस्कृत। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत में चतुर्थ पाठ यानी कि चैप्टर 4 को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें क्या था, नपुंसक लिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराए ना ही स्त्री जाति का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एक वचन में पत्रम, द्विवचन पत्रे, बहुवचन पत्रानि। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जब कोई शब्द में र या मूर्धन्य स आता है तब वहां मूर्धन्य लगता है ना बच्चों, जैसे पुष्पानी और नेत्रानी। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 24 में बुक में हम लोगों ने कुछ नपुंसक लिंग शब्द दिए हुए थे, उसको भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। आइए बच्चों, हम लोग देखेंगे पेज नंबर 25 में बुक में। नेत्रम एक वचन, एक आंख है। ठीक है, नेत्रे द्विवचन, दो आंखें हैं। नेत्रानी दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है, तो क्या होगा, नेत्रानी। मुखम एक मुख है, एक वचन। मुखे द्विवचन है, दो मुंह है। मुखानी दो से अधिक है यानी कि बहुवचन है, तो मुखानी। ठीक है, इसी तरह से गृहम एक घर है, एक वचन। गृहे दो घर है, द्विवचन। गृहानी दो से अधिक बहुवचन है, तो क्या होगा, गृहानी। पेज नंबर 26 में देखेंगे चित्रम एक वचन, एक चित्र है। चित्रे द्विवचन, दो चित्र है यहाँ पे। चित्रानी दो से अधिक है बहुवचन, इसलिए चित्रानी। चक्रम एक पहिया है, चक्रम। चक्रे दो पहिए हैं। चक्रानी बहुत सारे पहिए हैं। छत्रम एक छाता है, एक वचन। छत्रे दो छाते हैं, द्विवचन। छत्रानी दो से अधिक है, बहुवचन है, इसलिए छत्रानी। बच्चों, अब हम लोग पेज नंबर 27 में देखेंगे शब्दार्थ दिया हुआ है। त्रिनम, त्रिनम का क्या होगा, तिनका या घास। ठीक है, अनम यानी कि अनाज। शाकम यानी कि सब्जी। उद्यानम बगीचा। अस्त्रम हथियार। स्वर्णम सोना। लौहम लोहा। नक्षत्रम तारा। हिमम बर्फ। वायुयानम हवाई जहाज। दूरदर्शन यंत्रम यानी कि टीवी। ठीक है बच्चों, आप लोग इस शब्दार्थ को बढ़िया से लर्न कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, यहाँ पे एक वचनम है, द्विवचनम है और बहुवचनम है, तो आपको इसमें खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें आपको एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम में क्या होगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, क नंबर है फलम एक वचनम, द्विवचनम में क्या होगा, फले। बहुवचनम में फलानी। ख नंबर एक वचनम में क्या होगा, आम्रम। द्विवचनम में आम्रे। बहुवचनम में आम्रानी। ठीक है, ग नंबर एक वचनम कमलम, द्विवचनम कमले।
बहुवचनम कमलानी, पेज नंबर 28 में देखेंगे। फिर घ नंबर वनम एक वचनम, द्विवचनम वने, बहुवचनम वनानी। अंग नंबर अस्त्रम एक वचनम, अस्त्रे द्विवचनम, अस्त्रानी बहुवचनम। च नंबर एक वचनम पुष्पम, द्विवचनम पुष्पे, बहुवचनम पुष्पानी। छ नंबर दुग्धम एक वचनम, दुग्धे द्विवचनम, दुग्धानी बहुवचनम। ज नंबर धनम एक वचनम, धने द्विवचनम, धनानी बहुवचनम। झ नंबर पात्रम एक वचनम, पात्रे द्विवचनम, पात्रानी बहुवचनम। इया नंबर मित्रम एक वचनम, मित्रे द्विवचनम, मित्रानी बहुवचनम। ट नंबर विमानम एक वचनम, विमाने द्विवचनम, विमानानी बहुवचनम। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको बुक में बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग का होमवर्क है लर्न पेज 26 27। ठीक है, बाय बच्चों।